हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक, तो छोटी सी रीडिंग हम करने वाले हैं, देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं उनकी। तो आज की रीडिंग हमारी कुछ ऐसे रहने वाली है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम उनकी एनर्जी को चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, ठीक है, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, 46 द थिंकिंग मैन। काफी सोचा जा रहा है आपके बारे में, काफी ज्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छी खासी पर्सनालिटी है इनकी, बहुत अच्छी खासी। काफ़ी रोमांटिक भी हो सकते हैं आपके का अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा फोकस हो सकते हैं। ये पर्सन जो काम लेते होंगे ये पर्सन करके ही मानते होंगे, है ना। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी दिख रही है, जो कि दिख रही है कि आप दोनों के बीच में वो कनेक्शन, वो प्यार का कनेक्शन, ठीक है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। और आप दोनों के बीच में एक बहुत ही एक खूबसूरत सा रिलेशन ये है कि जब दोनों सोचते हो ना तो दोनों के मैसेजेस एक दूसरे को जाते हैं। ठीक है, मतलब जो आप सोचते हो अपने पर्सन के बारे में या अपने रिलेशन के बारे में, है ना, तो वो जो है ना आपके पार्टनर तक, आपके जो भी थिंकिंग है, जो भी थॉट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मैसेजेस मिल रहे होते हैं, वो उन मैसेजेस को रिसीव कर रहे होते हैं। और रिसीव करने के दौरान से मुझे दिखता है जैसे कि उनका रिएक्शन भी होता है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्टक हो जाते हैं। ये पर्सन सपने देखने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपने देखते हैं, काफ़ी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि ये पर्सन का ज़्यादातर सपने देखने में ही ज़्यादा वक्त चला जाता है आपके बारे में। इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है आज की कि जैसे कि तरह तरह के सपने देख रहे हैं, मतलब आपके साथ, है ना, आपके साथ रिलेशनशिप को बनाने का, या फिर कोई कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं ईगो, है ना, ईगो प्रॉब्लम भी है इस पर्सन को, तो उसके बारे में भी ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे। कोई कोई बात है जिसको लेकर के ये पर्सन अपने दिल पे लेकर के बैठे हुए हैं और वो बात अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं वो दिल से निकालने वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है, फील नहीं हो रही है। ठीक है, देखो ना यहाँ पे नंबर आ गया 25 का कार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स है। 21, 28, 30 का कार्ड, नंबर 3 यहाँ से निकल रहा है, नंबर 1 यहाँ से निकल रहा है, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 9। ठीक है, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर, सेकेंड चक्रा है, सेकेंड चक्रा का कार्ड जो है ना मुझे बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही प्यारा जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ठीक है,
आपके पार्टनर को काफ़ी याद आ रहा है, उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, जैसे कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि अभी इनको फिलहाल जो है ना आपके साथ जो एक सेक्स लाइफ होती है उसको इंजॉय करना है। ठीक है, अगर आप दोनों फिजिकल हुए हो एक दूसरे के साथ या हस्बैंड वाइफ हो तो नॉर्मल है, बट अगर BFGF हो, सेम जेंडर सेक्स हो, फिजिकल हुए हो, तो उस फिजिकल होने के दौरान से जो जो भी वो यादें रही हैं वो आपके पार्टनर को कचोट रही हैं, यानी कि तकलीफ दे रही हैं, क्योंकि अभी जो है ना फिलहाल आप दोनों उस कनेक्शन में नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है जिसके जेलेसी की वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे इश्यूज हुए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपके साथ ये पर्सन इंजॉय करना चाहते हैं, पेशेंस रखे हुए हैं ये पर्सन, और मुझे दिख रहा है कि सही तरीके से खान पान भी नहीं हो पा रहा है इनका, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, इनकी जो चीज़ें हैं ना वो सही तरीके से नहीं चल पा रही हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन उदास बैठे हुए हैं, आपकी यादों में खोए हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग का करने का बहुत मन है, बट ये पर्सन कैसे करें, अपने आप को जो एक होता है ना कि अपने आप को आगे की तरफ ले जाना या पॉजिटिव करके, एक होता है ना जैसे कि इनके पास गेट है और इनके पास चाबी भी है, ये गेट खुला, ये गेट है, इसमें ताला अगर लगा भी हुआ है तो इनके पास चाबी भी है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है ना कि ये बाहर निकले, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो है ना स्ट्रेंथ, वो पावर नहीं आ पा रही है आपके लिए इस पर्सन के अंदर, कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है, या आपका सामना करे, क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में दिख रहा है ना, जिसे कहते हैं ना कि तकलीफ़ें, है ना, तकलीफ़ें इनकी ख़त्म नहीं हो रही हैं, और थोड़ा निगेटिव भी सोचते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा निगेटिव जो है ना सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में है, और यहाँ पे ये पर्सन अचानक से जो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको ये पर्सन फेस नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि यहाँ पे किसी के जेलसी की वजह से ही आप दोनों के बीच में पूरी तरीके से रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, पूरी तरीके से ख़राब हुआ है किसी तीसरे पर्सन की वजह से, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन निभाना चाहते हैं जिसे न्यू बिगनिंग कहते हैं, न्यू बिगनिंग करने वाली एनर्जी को ये पर्सन फील करते हुए दिख रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री पानी है इनको, विक्ट्री पानी है, दिख रहा है कि विक्ट्री मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, है ना, नीडी है इसके, लेकिन यहाँ पे वही है कि आपका सामना करना काफ़ी टफ हो रहा है इनके लिए, मुझे लगता है कि आपसे काफ़ी डरते भी हैं, कई बार ये पर्सन बोल भी चुके होंगे यार तुमसे मुझे बहुत डर लगता है, तुम ऐसे ना मुझे देखा करो है ना, तो यहाँ पे ये सब मुझे दिख रहा है कार्ड में, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी मिस कर रहे हैं अपने सेक्सुअल लाइफ को, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सेक्सुअल हो रहे हैं ये पर्सन, जो आप दोनों के बीच में हुआ है उससे इस पर्सन को इतनी तकलीफ़ हुई है, इतना दर्द हुआ है कि ये पर्सन अपने दर्द को, तकलीफ़ को आंसुओं से निकालते हुए दिख रहे हैं, आंसुओं की धाराएं बहती हुई दिख रही हैं इनके आंखों से। ठीक है, ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में है कि आपके साथ आज कनेक्शन में नहीं है, खूबसूरत सा मौसम हो और पर्सन ना हो साथ में तो बहुत याद आती है, वैसे ही ये पर्सन को याद आ रहा है। ठीक है, चलिए, एम्प्रेस एकदम से आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी के साथ, यानी कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ही प्यारा सा रिलेशन निभाना चाहते हैं, इसलिए ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ पाओ, एक दूसरे के पास आ पाओ, एक दूसरे के साथ फिर से यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप यहाँ पे ये पर्सन को बनाना है आपके साथ। ये पर्सन का सपना है आई थिंक आपके साथ इनका बेबी, ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे इनका बेबी हो, या मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी बेबी हो सकता है, बट यहाँ पे और भी ज़्यादा चाहते हैं आपके प्रति, एकदम से सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है आज का। ठीक है, इनकी एनर्जी क्लियर बता रही है, इनका आज पूरा दिन, मुझे लगता है कि आज पूरे दिन आपके प्रति जो है ना ये पर्सन फील करेंगे, ठीक है, आपको मिस करेंगे। ओके, जो भी पर्सन है, मेल पर्सन है, ठीक
ठीक है, जिसने भी भड़काया है आपके पार्टनर को वो मेल पर्सन है, और मेल पर्सन है ऐसा जिसकी ये पर्सन बातें बहुत मानती हैं या मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये पर्सन ऑर्डर करते हैं, जो भी पर्सन ये ऑर्डर करते हैं वो आपके पार्टनर को मानना ही मानना होता है। क्योंकि एक होता है ना कि किसी को हम अपना आदर्श मान लेते हैं कि वो हमारा आदर्श है या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पार्टनर को लगता है ना, आपके पार्टनर को लगता है कि जिस भी पर्सन से ये बात कर रहे हैं आपके बारे में, या जिसने भी आप दोनों के बीच में ये कांटे चुभोए हैं, आप दोनों को अलग किया है, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, एक्सपीरियंस है उसके पास, और एक्सपीरियंस को लेकर के ये पर्सन आपके करीब जो है ना नहीं आ पा रहे हैं। मतलब कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम क्यों हो, क्या हो, वो ऐसी है या वैसा है वैसा है, तो उसको तुम छोड़ दो। तो आपके पार्टनर वही उनकी ही बात मानते हुए दिख रहे हैं। विक्ट्री, इनको विक्ट्री कब मिलेगी, जब इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी। आपका सामना करने की क्षमता तो है नहीं इनके अंदर, विक्ट्री कहाँ से आएगी या इनको स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? आप जब तक इनके साथ नहीं आओगे ना, तब तक इनके साथ मतलब इनको स्ट्रेंथ नहीं आएगा, इनको अंदर से जो पॉजिटिव फील करना होता है ना वो फील नहीं होगा। ठीक, मुझे ऐसा फील होता हुआ दिख रहा है। टावर की एनर्जी, यहाँ पे भी सेम एनर्जी आई है कि आप दोनों के बीच में, यहाँ पे हैंगमैन जैसे होता है ना कि वो कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ सपने देखते रहता है, ठीक है, तो वैसे ही जो है ना सपने टूट गए हैं आप दोनों के, सपने टूटते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया, इसी तरीके से बस सोचता रहा, इसी तरीके से स्टक रहा, तो फिर तो गई मेरी ज़िंदगी गई। ठीक है, तो ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि इनको देखो, यहाँ देखो द हैंगमैन, मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा भी नहीं था, अभी कार्ड पकड़ के मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी हैंगमैन यहाँ पे देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि हैंगमैन की एनर्जी में है ये पर्सन, और सोच रहे हैं कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया, समय रहते अगर डिसीजन नहीं लिया, तो फिर नैया पानी में डूब जाएगी। ठीक है, तो इनकी एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे ये करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पे आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।